देखो भाई, फसल कोई भी हो उस पे जो है जंगली जानवर का अटैक तो होता ही है। तो अगर आपको रात में जंगली जानवर का आपके खेत में अटैक होता है, मतलब वो घुस के खा जाते हैं आपकी फसल, तो उसको भगाने के लिए एक हमारे पास एक जुगाड़ है। एक जुगाड़ू हमारे पास भोंगा है। तो यहाँ पे आपको इसके साथ कुछ भी नहीं लगाना है, सिंपल आपको जो है भोंगा ख़रीद लेना है। कितने रुपए का मिलेगा आपको? आपको ये लगभग 300 रुपये के आसपास मिल जाएगा। मैंने 250 में लिया था, मगर अभी 1-2 साल हो गए इसे, तो उसके वजह से इसकी प्राइस थोड़ी सी आगे या फिर पीछे हो सकती है। तो आप लगभग 300 पकड़ के चलिए, और इसको जो है सिंपल आपको ये भोंगा ही ख़रीदना है। इसके साथ MP3 प्लेयर नहीं लगाना है, जैसे कि हमारे जो स्पीकर रहते हैं उसके साथ हमें जो है MP3 प्लेयर लगाना पड़ता है। तो वो ऐसा कुछ नहीं है, सभी कुछ इसमें है, एक चिप लगा दी गई है। तो ऐसा भोंगा है हमारा, और इसको कैसा बजाना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। और इसको जो है अभी आप बोलोगे कि चार्जिंग पे होगा, और आपके खेत में दिन भर या फिर रात रात भर चार्जिंग नहीं रहती है, तो सिंपल आपको जो है इसको चार्जिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बैटरी पे चलता है। और आपको बैटरी ख़रीदने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल आपको जो है ये ख़रीद लेना है लगभग 300 रुपये के आसपास। और उसके साथ एक वायर आता है, उसका वायर डायरेक्टली आपके जो है बैटरी को लगा देना है। और बैटरी कौन सी यूज़ करनी है आपको, जो है आपका जो स्प्रेयर रहता है, जो आपका फॉर नियंत्र रहता है, इसको ही लगा देना है बैटरी पे का। तो सिंपल आपको क्या करना है कि ऐसा वाला सॉकेट वाला, हर बार बैटरी के पंप होते हैं तो सिंपल उसका ही वायर हमने ख़राब वाले इसका वायर काट के लगा दिया है। अगर आपको लाइन पे लगाना हो तो वो भी आप लगा सकते हो। सिंपल क्या करना है, हमने जो वायर काटा है उसके पीछे वाला हिस्सा आपको जो है लगा देना है और यहाँ पे, और इससे जो है आप डायरेक्टली लाइन से भी लगा सकते हो चार्जर से। मगर हमने क्या किया है, सिंपल वायर लिया है और ये जो मेल पार्ट लिया है इस, ये जो हमारा रहता है उसको, और अभी आपको जो है ये बच के दिखाएंगा कि कैसे ये बचता है। अभी कुछ देर के लिए ये थम गया है, क्योंकि कोई भी जानवर हो उसको डराने के लिए थोड़ा सा देर रुक रुक के आवाज़ करता है, जिससे कि उसको भी डर लगे। तो ऐसा कुछ कर दिया, अभी ये फिर से चालू हो गया। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने हाथ से बंद नहीं करना पड़ेगा आपको, डायरेक्टली ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। और इसको बंद करने के लिए मतलब रात भर इसको चलने देना है, या फिर पंछी के लिए आपको जो है दिन भर इसे चलने देना है। तो इसे बंद करने के लिए सिंपल हमें क्या करना पड़ेगा, इसको जो ऐसे निकाल लेना है, इससे बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो कोई भी जानवर भगाने के लिए, या फिर आप सुबह भी यूज़ कर सकते हो। अभी तो ये पंछी भगाने के लिए हमने जो है इस दिन में लगाया है, मगर रात में भी हम ऐसे ही चालू रहने देते हैं। हमारे पास 2 पंप है, तो दिन में ये पंप चलता है, रात को वो पंप चलता है। मगर इससे जो है क्या होता है कि हमें जो है इसका जो है बैटरी पूरा ड्राई नहीं करना होता है। वैसे तो ये लगभग 2 दिन चलता है एक ही पंप से, मगर हम क्या करते हैं कि एक पंप हमारे पास 2 है तो करते रहते हैं। हम एक बार ट्राई किया था, कम चार्जिंग थी, 3 दिन लाइन नहीं थी, तो वो 2 दिन चलाया था हमने, 2-3 दिन चलाया था। तो कुछ इस तरह के से जुगाड़ है, आप इसे जो है आपके मूर्ति में या फिर कहीं पे भी रख सकते हो, जिससे कि अगर आपको छोटी जगह पे भी करना है तो सिंपल आपको क्या करना है, इस पर इसके अंदर की बैटरी निकाल लेनी है और उससे काम चलाना है। मगर हम जो है डायरेक्टली इसकी बैटरी यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसे कुछ तो भी हम लगाते हैं, रात को भी लगाते हैं, दिन को भी लगाते हैं। तो पंछी भगाने के लिए और कोई भी जंगली जानवर भगाने के लिए, रुई डुक्कर कुछ भी हो, नीलगाय कुछ भी हो, उसको भगाने के लिए ये जुगाड़ परफेक्ट है। कंटिन्यूसली आवाज़ करता रहता है और आपकी फसल बच जाती है। तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि आप जंगली जानवर को भगाने के लिए क्या क्या करते हो। सभी लोग तो क्या करते हैं, जागली जाते हैं, रात को खेत में जाते हैं, और उसके बाद आपको जो है पता चलता है कि हाँ आपकी फसल वो फिर भी जंगली जानवर खा गए। तो उसके लिए आप जो है ये जुगाड़ यूज़ कर सकते हो, और या फिर आप करंट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। करंट नहीं, मतलब झटका मशीन, उसका भी हम इस्तेमाल करते हैं, मगर इस खेत में इससे ही काम चल जाता है, दूसरे खेत में हम झटका मशीन लगाते हैं। तो कुछ इस तरह के से है ये जुगाड़। तो आप इसे भी ख़रीद लीजिए ताकि
आपको रात को जागली ने आने पड़े, मतलब खेत में ना आना पड़ेगा। आपको ये जुगाड़ कैसा लगा वो भी आप मुझे कमेंट में बताना मत भूलिएगा, और उसी के साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए।